वेव थ्योरी ऑफ लाइट इस पर्टिकुलर चैप्टर के साथ हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे, या वेव ऑप्टिक्स इस पर्टिकुलर चैप्टर से हम कंटिन्यू कर रहे थे। इसमें पिछले कपल ऑफ लेक्चर्स में हमने लाइट की अलग अलग थियोरीज को डिस्कस किया, एंड इन द लास्ट लेक्चर वी हैव सीन अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ वेव फ्रंट, वेव नॉर्मल्स, एंड वी ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ एग्जैक्टली द लाइट प्रोपोगेट्स। नाउ इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस टू वेरी इंपॉर्टेंट फेनोमेनाज ऑफ लाइट। एज फार एज योर थियोरी एग्जामिनेशन इज कंसर्न, दी एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन एंड दी एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन बाई यूजिंग दी हाइजेंस वेव थियोरी आर दी वेरी इंपॉर्टेंट एंड रेगुलरली क्वेश्चन आर्टिकल्स। सो वी विल वर्कआउट विथ ईच एंड एवरी पार्ट इन डिटेल के हाउ एग्जैक्टली हाइजिन हैज एक्सप्लेन्ड द रिफ्लेक्शन फिनोमेना एंड द रिफ्रैक्शन फिनोमेना बाई हिज थियोरी बाई यूजिंग हाइजिन्स प्रिंसिपल, यू मे से। ओके, सो लेट स्टार्ट फर्स्ट विथ रिफ्लेक्शन। सबसे पहले तो बच्चों हम प्रैक्टिकली नोन फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि जब रिफ्लेक्शन होता है तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हम प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करते हैं। सो यू मे नो कि रिफ्लेक्शन कराने के लिए हमको एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस की जरूरत होगी। जैसे मान लें कि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये कोई मिरर हो सकता है, या ग्लास का सरफेस हो सकता है, या पॉलिश्ड मेटल सरफेस हो सकता है, वाटर का सरफेस हो सकता है। लेट्स से कि इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर हमने एक नॉर्मल बनाया सो दैट कि हम एंगल्स को मेजर कर सकें। अब हम ये कहते हैं कि एक लाइट रे यहाँ पे इंसिडेंट हो जाती है, प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशंस की अगर हम बात करें, सच दैट कि एंगल ऑफ इंसिडेंस मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल इज आई, द रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी शोन लाइक दिस। तो लाइट रिफ्लेक्ट हो गई एंड इट मूव्स, इट प्रोपोगेट्स लाइक दिस। वी मे इवन से द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मेजर्ड विद द नॉर्मल इज आर। नाउ व्हाट आर आवर कॉमन ऑब्जर्वेशंस, व्हाट आर आवर प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशंस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन। ऑब्जर्वेशन नंबर वन, द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे दे आर ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ नॉर्मल। जो इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे है ये नॉर्मल के एक तरफ और दूसरी तरफ यानी कि अपोजिट साइड्स होंगे। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल दे आर इन सेम प्लेन। ऐसा नहीं होगा कि लाइट ऐसे इंसिडेंट हो गई और प्लेन को छोड़ के बाहर रिफ्लेक्ट हो गई या अंदर रिफ्लेक्ट हो गई, परपेंडिकुलर टू प्लेन चली गई या किसी एंगल पर चली गई वो प्लेन के साथ, ऐसा नहीं होगा। दे आर इन द सेम प्लेन, जैसी लाइट्स आ रही हैं उसी प्लेन में लाइट रिफ्लेक्ट होगी। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन फॉर द प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन इज दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन इट्स मेजरमेंट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये एक मैंडेटरी कंडीशन है, हमेशा ऐसा ही होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। ओके, चाहे आप सरफेस कैसा भी होल्ड करें, चाहे आप सरफेस को पॉलिश्ड या क्लीन या रफ रखें, कैसा भी, जितनी वैल्यू आई की है एग्जैक्टली उतनी ही वैल्यू आर की होगी इन इट्स मैग्नीट्यूड। इफ आई इज 30 देन आर इज ऑल्सो 30, आई 60 देन आर इज ऑल्सो 60। सो ये हमारे प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन हैं, कॉमन ऑब्जर्वेशन हैं अबाउट रिफ्लेक्शन। द क्वेश्चन इज दैट कि हाइजिन की थ्योरी इन सभी बातों को, रिफ्लेक्शन के इन सभी ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लेन कर पाती है क्या? नहीं। इनफैक्ट हमें ये कहना चाहिए कि हम इस आर्टिकल में रिफ्लेक्शन के इन सभी लॉज को, तीन लॉज बच्चों मैंने आपको बताए, आई इज इक्वल टू आर एक लॉ हो गया, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे आर ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ नॉर्मल हो गए, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर इन द सेम प्लेन, ये बात हो गई। ये तीनों लॉ वेव थ्योरी ऑफ लाइट से हम एक्सप्लेन कर पाते हैं, एक्सप्लेन करेंगे बाकायदा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। नाउ एवरी एस्पेक्ट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रिफ्लेक्शन विल बी इन अकॉर्डेंस विद द वेव थ्योरी ऑफ लाइट। ठीक है, ये प्रैक्टिकली जो बातें हैं ये अपनी जगह पे,
अब हम वेव थ्योरी ऑफ लाइट को अप्लाई करते हुए इन्हीं बातों को प्रैक्टिकली जो हम ऑब्जर्व करते हैं इन्हीं बातों को प्रूव करेंगे। आपको बात समझ आ गई बच्चों मैं क्या कहने चाह रहा हूं? सो नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर दिस अंडरस्टैंडिंग इज ड्रॉइंग इट्स डायग्राम। इसका रे डायग्राम हमको प्रॉपर तरीके से बनाने आना चाहिए। सो लेट स्टार्ट विथ। सबसे पहले हम एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस ले लेते हैं, वैसा ही जैसे मैंने अभी अभी बनाया था। तो ये कोई भी एक सरफेस हो सकता है, मिरर, ग्लास, पॉलिश्ड मेटल का सरफेस, वाटर का सरफेस, ठीक है, प्लास्टिक, कुछ भी जिससे लाइट रिफ्लेक्ट हो सकती है। ओके, लेट्स से कि हम इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस को लेबल करते हैं एक्स वाई। अब हम लाइट की कुछ रेज को आता हुआ दिखा रहे हैं। लेट्स से कि कुछ लाइट की रेज ऐसी आती हुई हमको दिखाई जा रही है। दिस इज वन ऑफ द रे एंड दिस इज अनदर रे। ऐसी दो रेज मैंने यहां पे चॉइस की है। सो दिस इज वन ऑफ द रे लेट्स से एंड दिस इज अनदर रे। ऑफ कोर्स इन लाइट की रेज को बाइंड करता हुआ हम एक वेव फ्रंट बना सकते हैं। आपने नोटिस किया मैंने वेव फ्रंट कैसे बनाया? लाइट की रे की जो डायरेक्शन है, जो लाइन है, उसको परपेंडिकुलर है। तो ये जो ग्रीन कलर से मैं बना रहा हूं ये क्या चीज है बच्चों? वेव फ्रंट है। और ये जो दो मैं यहां पे दिखा रहा हूं ये रेज है। फिलहाल मैं लेबलिंग नहीं करूंगा इसको, लेबलिंग एट द एंड में वैसे ही करना चाहूंगा जैसे मैंने नोट्स में दिए हैं ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। सो दीज आर द टू लाइट रेज कमिंग लेट्स से पी एन क्यू एंड दे आर बाइंडेड बाय सर्टन वेव फ्रंट। इनफैक्ट हमें ये भी कहना चाहिए कि यहाँ पे हम एक प्लेन वेव फ्रंट को इंसिडेंट करा रहे हैं, ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी अ प्लेन वेव फ्रंट। लेट्स से कि जिस मीडियम में हम ये सारा कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये सारा ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, उसमें लाइट की स्पीड सी है। ओके, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट लेट्स से। नाउ द लाइट विल ट्रैवल एज सजेस्टेड। ये लाइट ट्रैवल करती जाएगी करती जाएगी करती जाएगी करती जाएगी एंड बिकॉज ऑफ इट्स ऑब्लिक इंसिडेंस हो सकता है कि एक रे जो है वो सरफेस पर पहुंच जाए और दूसरी रे अभी हवा में ही हो, ठीक है। तो रे पी जो है ये सरफेस पे टच कर गई, लेकिन आपने देखा रे क्यू अभी भी एयर में है। बात आई बच्चों समझ में? अभी भी मीडियम के अंदर है। तो यहां पर इनको बाइंड करते हुए मैं एक वेवफ्रंट बना देता हूं। तो ये मैंने इनका एक वेवफ्रंट बना दिया यहां पर इनको बाइंड करते हुए। एज पर लेबलिंग आई गेस मैंने इसको लेबल किया है ए बी और ये लाइट रे का इंसिडेंस। तो बच्चों आप यहाँ पे ये कह सकते हो कि ए बी इज नथिंग बट द इंसिडेंट वेव फ्रंट। ए बी जो है वो इंसिडेंट वेव फ्रंट है। अब होगा ये कि रे पी जो है ये सरफेस पे बाउंस कर चुकी है तो ये रिफ्लेक्ट कर जाएगी, ठीक है ना, इट विल रिफ्लेक्ट। इनफैक्ट आप यहां पे एक छोटा सा नॉर्मल भी बना सकते हो सो दैट यू कैन शो कि कितना एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पे बन रहा है। तो लेट्स से कि एक आई इतना एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पे बन रहा है। तो आई वाज ऑन अ पॉइंट कि रे पी जो है ये सरफेस पर पहुंच चुकी है तो ये रिफ्लेक्ट कर जाएगी, लेकिन रे क्यू जो है अभी भी हवा में ही चल रही है, अभी भी मीडियम में ही चल रही है। तो हम एक छोटा सा टाइम टी दे देते हैं, विल टेक अ स्मॉल टाइम इंटरवल टी, जिसमें रे पी रिफ्लेक्शन के बाद ट्रैवल करते 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 मान लो यहां तक पहुंच जाती। बात आ रही है समझ में? इट रीचेस टू सर्टन पॉइंट हियर। जब तक रे क्यू जो है ये ट्रैवल करते 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 सरफेस पर आती, मान लो मैं ऐसा कहना चाह रहा हूं कि जब तक रे क्यू सरफेस पर आती है तब तक ये रिफ्लेक्ट होकर कुछ आगे चली जाती। इज दैट क्लियर व्हाट आई वांट टू से? तो रे पी का जो है हल्का सा रिफ्लेक्शन हो गया और ये ट्रैवल करते 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 मान लो ऐसे ही आगे बढ़ने वाली है, इस तरीके से इस लाइन पर ही आगे बढ़ने वाली है। उसी ड्यूरेशन में रे क्यू जो है ये अपना मोशन कंटिन्यू करते हुए, प्रोपगेशन कंटिन्यू करते हुए वो पॉइंट डी तक पहुंचती है, पॉइंट डी तक पहुंचती है। बात समझ में आ रही है बच्चों को? ये सुन लो, आर यू गेटिंग इट व्हाट आई एम सेइंग? तो हो सकता है कि जब तक रे क्यू बी से डी इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर ले तब तक रे पी जो है आफ्टर रिफ्लेक्शन ए से कोई एक डिस्टेंस सी यहां तक ट्रेवल कर ले,
सो आई जस्ट वॉन्ट टू से कि बीडी जितना डिस्टेंस है एग्जैक्टली उतना ही डिस्टेंस एसी होना चाहिए। अब आप बोले ऐसा क्यों, तो आंसर सिंपल है, रिफ्लेक्शन के बाद रे पी जिस मीडियम में ट्रेवल कर रही है, रे क्यू भी उसी मीडियम में ट्रेवल कर रही है, मीडियम चेंज नहीं हुआ है, तो चाहे रिफ्लेक्शन से पहले हो या रिफ्लेक्शन के बाद हो, स्पीड सेम है, और अगर आप सेम टाइम दे देते हैं दोनों को, तो दोनों ने सेम डिस्टेंस ट्रेवल करना है, बिकॉज डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो हम ये कह रहे हैं कि जब तक रे क्यू पॉइंट बी से डी तक पहुंचती है, उतने ही ड्यूरेशन में रे पी रिफ्लेक्ट करके सी तक पहुंचती है। क्या आपको मेरी बात समझ आ गई बच्चों? ये थोड़ी देर के लिए पोर्शन मिटा देते हैं, गौर करने वाली बात है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि बी से डी डिस्टेंस जितना बन रहा है, ज्योमेट्रिकली ए से सी उतना ही डिस्टेंस होना चाहिए? करेक्ट है ना बच्चों बात? यस नो? ठीक यस है। सर, अब फिर आगे कंटिन्यू करें, हम देखेंगे कि रे क्यू जो डी तक पहुंच गई है, इसका भी रिफ्लेक्शन शुरू हो जाएगा और ये अपना ऐसे रिफ्लेक्ट करने लगेगी, और ये भी आगे इस तरीके से कंटिन्यू करने लगेगी, सो इट विल बी मूविंग लाइक दिस। अब यहां पर अगर आप एक वेव फ्रंट बनाते हो, तो ये वाली वेव फ्रंट आप ऐसे बना सकते हो, ठीक है? ये जो दोनों रेज हम बना रहे हैं, ये रिफ्लेक्टेड हैं, ठीक है? लेट्स से कि हमने इसको नाम किया एस और आर, तो एस और आर ये रिफ्लेक्टेड रेज हैं, तो जाहिर बात है इन दोनों रेज को बाइंड करने वाली जो वेव फ्रंट है सी डी, ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट कहलाएगी, यस और ये जो पी और क्यू हैं, इन दोनों को बाइंड करने वाली जो रे है ए बी, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट कहलाएगी, इनको बाइंड करने वाली वेव फ्रंट ए बी हो गई, इंसिडेंट वेव फ्रंट, और सी डी विल बी रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। आप चाहो तो यहां पर भी आप एक नॉर्मल निकाल सकते हो, ये आपने यहाँ पे नॉर्मल निकाला जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। केयरफुली मेजर करने पे आपको पता चलेगा कि यहां से लेके ये पूरा अंदर तक ग्रीन कलर तक नहीं, ये रे तक, ये जो ब्लू कलर में है ना, ये रे है, और ये जो ग्रीन कलर मैंने बनाई है, ये वेव फ्रंट्स है, तो ये बन जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इस तरफ आप निकालोगे यहाँ पे बेटा, तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसके लिए भी यहां से लेकर के पूरा अंदर तक ये निकालोगे, तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। करेक्ट हो गई बात? ध्यान रहे कि ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ग्रीन कलर तक नहीं आ रहा है, पूरा ब्लू कलर तक आ रहा है। तो आप बहुत ध्यान से देखें, तो ये वेव फ्रंट ऐसे आती है, ऐसे आती है, ऐसे आती है, ये आती है, टकराती है, और उसके बाद ये ऐसे रिफ्लेक्ट होके ऊपर चली गई। दैट्स इट, दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू हैपन। क्लियर हो रही है बात? ये सुनो, ये यस वेव फ्रंट सर, ऐसे 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 आ गई, इंसिडेंट हो गई, उसके बाद ये रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे चली। ऑब्जर्वेबल बात ये है कि इंसिडेंट रेज और रिफ्लेक्टेड रेज स्पीड सेम है। ऑब्जर्वेबल बात यह है कि इंसिडेंट वेव फ्रंट का जो साइज है, उतना ही साइज आपको रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट का भी मिलता है, साइज में कोई फर्क नहीं पड़ता है, विड्थ में, उसकी चौड़ाई में कोई फर्क नहीं पड़ता है, जितनी विड्थ इंसिडेंट वेव फ्रंट की है, एग्जैक्टली उतनी ही विड्थ रिफ्रेक्टेड सॉरी रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट की भी है। नाउ इसकी डायग्राम तो मैंने अब पूरी कर ली, लेट्स हैव एन एनिमेशन टू अंडरस्टैंड दिस मोर क्लियरली। एक और एनिमेशन से इसको समझते हैं, इसे जरा ध्यान से देखिए, ये देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे दोनों हो रहे हैं, एक्चुअली दोनों फेनोमेनाज हो रहे हैं, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन दोनों हो रहे हैं। ये ऊपर का जो ब्लू कलर वाला पोर्शन है, ये रिफ्लेक्टेड है, और ये जो रेड है, ये रिफ्रैक्शन। देखिए ये ऐसे, ये वेव फ्रंट जाती हुई दिखा रहे हैं, यहाँ वेव फ्रंट पहले आती हुई दिखा रहे थे, ठीक है? यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो गया, ये जब तक कंटिन्यू कर रही है यहाँ पे, फिर उसके बाद ये रिफ्लेक्टेड पोर्शन दिखा दिया, और ये नीचे की तरफ जो जा रहा है, ये रिफ्रैक्टेड। आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि ये फिर सेमी सर्कल्स जो बन रहे हैं, ये क्या है, ये जो छोटे छोटे सेमी सर्कल्स बन रहे हैं, ये क्या है? तो बेटा बहुत आसान है, यहां पर अगर वेव फ्रंट का एक पॉइंट मैं कंसिडर करता हूं, तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा? सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट, बिकॉज एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट विल एक्ट एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट एंड इट विल इमिट इट्स ओन वेव फ्रंट। तो हम चाहें तो एक अपनी खुद की वेव फ्रंट बना सकते हैं, जिसका आर्क, ये एसी इतने रेडियस कंसिडर करते हुए हम यहां पर एक आर्क बना सकते हैं, जैसे यहां पे बनाया गया, देखिए आप देख सकते हैं, ये टच हो गई, जब तक ये सीधी चलती गई, ये आर्क हमने बना दिया इसका, ठीक?
और ये आर्क बड़ा या छोटा जैसा डिपेंड करता है कि हम कितने टाइम के लिए इसका कैलकुलेशन कर रहे हैं, उस तरीके से हम आगे बना सकते हैं। क्या आपको बात अच्छे से समझ में आ गई? अब आइए देखते हैं कि इसका ज्योमेट्रिकल प्रूफ, पूरा लॉज को प्रूफ करने वाली कौन सी कंडीशन है। ये सारे लॉज जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताए वो सारे प्रूफ होने चाहिए। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले बच्चों मैं ये रिमेनिंग एंगल यहां पे लिखना चाहता हूं, ये जो मैं पिंक कलर से लिखने वाला हूं, ये वाला। अगर आप बहुत ध्यान से देखते हैं तो ये ब्लैक कलर की लाइन और ये हॉरिजॉन्टल, ये टोटल एंगल कितना है? 90 में से अगर ये रेड कलर वाला पोर्शन निकाल दिया जाए आर, तो ये क्या बचेगा? वेरी गुड, मैं इसको ऐसे बाहर लेके लिखता हूं, ये क्या बचेगा? 90 माइनस। नाउ आई ऑल्सो वॉन्ट टू राइट दिस पोर्शन, ये एंगल भी मैं पोर्शन, इस एंगल को भी लिखना चाहता हूं। तो आप फिर एक बार सोचें, ये ब्लैक कलर की लाइन जो कि नॉर्मल है और ये हॉरिजॉन्टल, ये टोटल एंगल कितना है? 90। उसमें से अगर ये रेड कलर वाला पोर्शन निकाल दिया जाए तो क्या बचेगा? 90 माइनस आई। बहुत अच्छे, तो ये हो गया 90 माइनस आई। अब बहुत ध्यान रहे कि हमने कौन से एंगल्स को 90 माइनस आई और कौन से एंगल्स को 90 माइनस आर बोला है। अच्छे से इस बात को समझ लिया। अब बच्चों हम यहां पे दो अलग अलग ट्रायंगल्स की बात करेंगे, ठीक है? थिंक ऑन इट वेरी केयरफुली। पहला जो ट्रायंगल मैं यहां पे चॉइस कर रहा हूं वो है ए बी डी, और दूसरा जो ट्रायंगल मैं यहां पे चॉइस कर रहा हूं वो है ए सी डी, ठीक है? यू कैन से ए बी डी एंड यू कैन ऑल्सो से ए सी डी। बट द पॉइंट क्लियर? अब इन दोनों ट्रायंगल्स में आप ये देखोगे कि एडी साइड दोनों में है, ठीक है? एडी साइड इज इन बोथ ऑफ देम। फिर आप ये देखोगे कि ए बी डी ट्रायंगल का बी डी साइड ये एग्जैक्टली इक्वल है ए सी डी ट्रायंगल की ए सी साइड से। अब आप मुझसे सवाल कर सकते हो, सर आपने बी डी और ए सी को क्यों इक्वल किया? तो रिकॉल दैट एक्सप्लेनेशन जो अभी मैं आपको बता रहा था कि जब तक रे क्यू बी से डी पहुंचती है उतने ही टाइम में रे पी का रिफ्लेक्शन होता है और वो ए से सी पहुंचती है। क्या ये मैंने एक्सप्लेनेशन आपको दिया अभी थोड़ी देर पहले? यस सर। तो सेम टाइम सेम स्पीड का मतलब अगर यहां अप्लाई किया जाता है तो डेफिनेटली हम ये जरूर कहेंगे कि बी से डी जितना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है उतने ही डिस्टेंस उतने ही टाइम में ए से सी ये डिस्टेंस ट्रेवल होगा। नेक्स्ट, अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो यहां एक एंगल बनता है जो कि 90 डिग्री होना चाहिए और यहां एक एंगल बनता है जिसे 90 डिग्री होना चाहिए, बिकॉज दिस इज नथिंग बट एन एंगल बिटवीन वेव फ्रंट एंड रे, वेव फ्रंट एंड रे। तो आप कह सकते हो कि इस केस में एंगल बी और इस केस में एंगल सी दोनों इक्वल है, करेक्ट है ना बात? यस सर। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो हम एक बड़े ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन पर पहुंच रहे हैं और वो है एस एस ए। अब लकीली अपने कॉलेज का भी नाम है, साइड साइड एंगल। इफ दिस हैपेंस द टू साइड्स आर सेम एंड वन ऑफ द एंगल इज सेम, तो इसका मतलब ये ट्रायंगल सिमिलर हो गए, द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। सिमिलर ट्रायंगल या कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की प्रॉपर्टी ये होती है कि उसके बचे हुए एंगल भी सेम हो जाते हैं, उसके रिमेनिंग एंगल्स को भी सेम होना पड़ेगा। यस सर। अब रिमेनिंग एंगल के नाते मैं ये ले लेता हूं ए बी डी के अंदर ये पिंक वाला एंगल ले लेता हूं, ठीक है? बी डी ए एंगल बी डी ए शुड बी सेम एज दैट ऑफ एंगल सी ए डी। सी ए डी, यस यस, सॉरी फॉर दैट, एंगल सी ए डी। अब बहुत ध्यान से देखें बेटा, ये बी डी ए ये 90 माइनस आई है, यस, और ये जो एंगल है सी ए डी 90 माइनस आर है। 90 दोनों साइड से कैंसिल हो गया, ठीक है ना? कैलकुलेशन में 90 दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, माइनस साइड भी दोनों साइड से कैंसिल हो गई,
क्या इसका मतलब आप इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, दैट्स इट। हमने वेव फ्रंट की कंस्ट्रक्शन करते हुए, वेव फ्रंट को रिफ्लेक्ट कराते हुए हमने इस बात को प्रूव किया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो कि हम प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करते हैं। दिस इज व्हाट हाइजीन वांट टू सजेस्ट कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एग्जैक्टली इक्वल होंगे। बात समझ आ गई? दूसरा लॉ, अगर आप इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे को देखते हो, चाहे पी को ले लें चाहे क्यू को ले लें, तो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे को आप देखोगे तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि दे आर ऑन द आइदर साइड ऑफ नॉर्मल। इंसिडेंट रे नॉर्मल के एक तरफ है तो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के दूसरी तरफ है। ये भी एक लॉ है, ये भी प्रूफ हो गया क्योंकि डायग्राम ही इस तरीके से बनी। तीसरी बात, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल को जब हम चेक करते हैं, सो वी फाइंड दैट दे आर इन द सेम प्लेन, नन ऑफ देम इज क्रॉसिंग द प्लेन, नन ऑफ देम इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, नन ऑफ देम इज मेकिंग एन एंगल विद द प्लेन, दे आर इन द सेम प्लेन। इन द सेम प्लेन का मतलब यह है कि आप पेपर पे बना रहे हो तो सारे पेपर पे ही बन रहे हैं, कोई पेपर से बाहर आता हुआ नहीं दिख रहा है, कोई अंदर जाता हुआ नहीं दिख रहा है। समझने के लिए बोल रहा हूं मैं, इन द सेम प्लेन, गेटिंग इट? ऑल थ्री लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन विच वी वेर ऑब्जर्विंग प्रैक्टिकली आर कंफर्टेबली एक्सप्लेन्ड बाय द वे ऑफ थ्योरी ऑफ लाइट। दिस इज वॉट वी नीड, दिस इज वॉट वी वॉन्ट एन एक्सप्लेनेशन। अब इसमें एक और छोटी सी बात यह याद रखना है कि इंसिडेंट वेवफ्रंट और रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट का जो विड्थ है, जो साइज है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुए, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसे याद रखिए। विड्थ ऑफ वेवफ्रंट विच इज इंसिडेंट एंड विड्थ ऑफ वेवफ्रंट विच इज रिफ्लेक्टेड इज एग्जैक्टली आइडेंटिकल, नो चेंजेस। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि एंगल्स में बदलाव हुआ, जैसी इंसिडेंट वेवफ्रंट आ रही थी वो एंगल बदल के आगे चली, ठीक हो गया। अब फुल लेंथ आर्टिकल मैंने आपको मॉड्यूल में प्रोवाइड कर दिया है कि इसे कैसे लिखना है, फॉर योर थियरी एग्जामिनेशन। तो आप उन सभी बातों को रिकॉल करके प्रॉपरली अपनी आंसर शीट में लिखें। बाकी जो समझने का पॉइंट ऑफ व्यू है, तो ज्योमेट्री है, वो बस इतनी ही है। गेटिंग इट? चलिए और थोड़ा आगे बढ़े, लेट्स डिस्कस अनदर फेनोमेना, रिफ्रैक्शन। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, रिफ्रैक्शन। हम इस आर्टिकल को भी वैसे ही समझने की कोशिश करेंगे जैसे हम रिफ्लेक्शन को समझ रहे हैं। पहले बेसिक फैक्ट्स, जो एक्सपेरिमेंटल नोन कंडीशंस है हमारे पास, उसको रिकॉल करते हैं और फिर देखते हैं कि वेव थ्योरी ऑफ लाइट उसे सपोर्ट करती है कि नहीं, उसे एक्सप्लेन करती है। रिफ्रैक्शन कराने के लिए हमको चाहिए होगा रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ठीक है? जैसे कि ग्लास या वाटर या कोई भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल जिसके अंदर लाइट अंदर एंटर कर सके। उसके बाद हमको चाहिए होगा एक नॉर्मल जो कि हम सरफेस पर बनाते हैं। देन वी विल मेक सर्टन लाइट रे इंसिडेंट ऑन इट, दिस विल बी कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस डिपेंडिंग अपॉन इट्स रेयरर और डेंसर कंडीशन। ये कुछ ऐसे बेंड हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसके लॉज क्या हैं? विच लॉज आर गोइंग टू बी होल्ड ट्रू इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन? नंबर वन, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, दे आर ऑन द आइदर साइड ऑफ नॉर्मल। ये नॉर्मल है, नॉर्मल के एक तरफ इंसिडेंट है तो दूसरी तरफ रिफ्रैक्टेड है। दिख रहा है आपको ये? यस सर। नंबर टू, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, दे आर इन द सेम प्लेन, दे आर इन द सेम प्लेन। ऐसा नहीं होगा कि ये इंसिडेंट हो गया और रिफ्रैक्टेड रे एकदम से बाहर आ गई, ऐसा नहीं होगा। ये इंसिडेंट हो गया, रिफ्रैक्टेड रे एकदम से अंदर परपेंडिकुलर टू द प्लेन चली गई, ऐसा नहीं होगा। दे आर इन द सेम प्लेन, ठीक है? गेटिंग द पॉइंट? ओके। तीसरा, जब रिफ्रैक्शन होता है तो हम एक खास स्पेशल लॉ पढ़ते हैं, आपको याद होगा, हम उस लॉ को कहते हैं स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ में हम लिखते हैं the sine of angle of incidence to sine of angle of refraction is always constant. constant है। अब हमें इन तीनों लॉज को
That is, incident ray, refracted ray are on the either side of normal. Incident ray, refracted ray and normal are in same plane, and taking a ratio of sin I by sin r is going to be constant. इन तीनों लॉज को हमें वेव थियरी ऑफ लाइट यानी कि हाइजेन की थियरी से प्रूफ करना है, एक्सप्लेन करना है बाकायदा. ओके, पूरा फंडामेंटल लेवल पर उसका एक्सप्लेनेशन देना है. आइए देखते हैं कैसे. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. इसके लिए सबसे पहले तो हम एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस चॉइस करेंगे. हर छोटी से छोटी चीज को अच्छे से समझना. एक्स वाई रिफ्रैक्टिंग सरफेस. हम ये कह सकते हैं कि ये जो ऊपर वाला है ये मीडियम वन है, ये नीचे वाला ये मीडियम टू है. मीडियम वन में स्पीड ऑफ लाइट लेट से वी वन है और मीडियम टू में जो स्पीड ऑफ लाइट है लेट से ये वी टू है. वी नो वेरी वेल के जब मीडियम चेंज हो जाता है तो लाइट की स्पीड डिफर करती है, चेंज होती है. इनफैक्ट लाइट जितने डेंसर मीडियम में जाएगी उतना उसकी स्पीड कम होती है. और ऐसा ही कुछ होने वाला है यहां पे. ये देखें, ये ऐसा ही कुछ होने वाला है, ये इस तरीके से, लाइक दिस इट इज गोइंग टू हैपन. ओके, लेट्स ट्राई टू ड्रॉ द डायग्राम. तो हम एग्जैक्टली उसी ऑर्डर में अपनी बात को रखना शुरू करेंगे जैसे हम ये कह रहे थे कि ये लाइट इंसिडेंट रेज है. तो ऐसी कुछ इंसिडेंट रेज हम लोग ऑब्लिक इंसिडेंट करा रहे हैं. ठीक है, टू इंसिडेंट रेज लेट्स से, लेट्स लेबल देम इन द वे वी हैव लेबल्ड प्रीवियस रिफ्लेक्शन केसेस पी क्यू. और ये जो ग्रीन कलर से मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ये क्या है, व्हाट इज दिस? And we can be very sure कि ये wavefront है इस हिसाब से कि they are making a 90 degree angle. अब ये light ray यहाँ पे पहुंच जाती है ऐसे. By that time ये वाली light ray अभी हवा में ही है, अभी medium में ये travel ही कर रही है, like this, ऐसे travel ही कर रही है. तो आप यहाँ पे इसको एक wavefront के sense से join करा सकते हो. तो ये आपने इसको join करा दी. Let's say कि आपने इसको लेबल कर दिया ए एंड बी. ठीक है, अब होगा ये. अच्छा, एक और काम मैं यहाँ पे पहले ही कर लेता हूँ कि मैं यहाँ पे एक नॉर्मल बना देता हूँ ताकि रिस्पेक्टिव एंगल्स मैं ठीक ठाक तरीके से मेजर कर पाऊँ. तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाला जो एंगल है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है. ठीक है, अब होगा ये कि जो पी रे है वो तो सरफेस पे टच कर गई तो पी रे का रिफ्रैक्शन शुरू हो जाएगा. ठीक है, लेकिन क्यू रे अभी भी हवा में है तो क्यू रे बाय दैट टाइम ट्रैवल करते 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 सरफेस पर टच करेगी. यस और नो? यस सर. तो हो सकता है हम ये क्लेम करें कि जब तक क्यू रे सीधा ट्रैवल करते 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 सरफेस तक ना पहुंच सरफेस तक पहुंचती है उतने ड्यूरेशन में पी रे का रिफ्लेक्शन हो जाता है और पी रे जो है वो यहां तक आती है. जितने ड्यूरेशन में जितने टाइम में क्यू रे बी से इस पॉइंट तक आती है, आई थिंक आई हैव लेबल दिस पर्टिकुलर पॉइंट एज पॉइंट डी, पॉइंट डी तक आती है उतने टाइम में पी रे का रिफ्लेक्शन होता है और वो यहां तक, यानी कि मैं इसको मैं लेबल कर देता हूं सी, यहां तक पहुंचती है. अब गौर करने वाली बात है, क्यू रे अभी भी मीडियम वन में ट्रेवल कर रही है. ठीक है, तो डेफिनेटली बी से डी ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस बच्चों हम लिख सकते हैं वी वन टी. बात को समझे, इफ वी कंसिडर दैट दैट टेक्स टी टाइम टू रीच फ्रॉम बी टू डी. ठीक है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. Yes or no? Yes, sir. In fact, let me write it here कि B से लेकर के D ये जो डिस्टेंस है आप इसे कह सकते हो V1T. तो आप बच्चों सोचो कि A से C इस डिस्टेंस को आप कैसे लिखोगे? V2T. शाबाश. Because हमने सेम टाइम दिया दोनों को, हमने बोला भाई कि जब तक B से D ये रे ना पहुंची तब तक ये A से C पहुंचती है.
ठीक है, बट इस बार हम इन दोनों को सेम बोल ही नहीं सकते, दे आर नॉट सेम बिकॉज दे आर ट्रेवलिंग विद द सेम डिफरेंट स्पीड्स. यहां पर हम इन दोनों को सेम कह रहे थे कि जब तक ये बी से डी पहुंचती है तब तक ये ए से सी पहुंचती है, और ए सी और बी डी डिस्टेंस सेम है. यहां पर हम सेम इसलिए कह रहे थे कि बोथ द रेज आर ट्रेवलिंग विद द सेम स्पीड बिकॉज दे आर इन द सेम मीडियम. यहां क्या हुआ, मीडियम चेंज हो गया. जैसे ही मीडियम चेंज हो गया तो स्पीड डिफर हो गई. स्पीड अगर फर्क स्पीड में अगर चेंजेस आते हैं, स्पीड अलग होगी तो जाहिर बात है डिस्टेंसेस भी अलग हो. ये सुनो, इस मीडियम की अपनी स्पीड होगी जो उस मीडियम के लिए कांस्टेंट होगी, और ये मीडियम नंबर टू के लिए अपनी स्पीड होगी जो उस मीडियम के लिए कांस्टेंट होगी. वी वन इस मीडियम के लिए अपना अपना कांस्टेंट है और वी टू इस मीडियम के लिए अपना अपना कांस्टेंट है. अब आगे बढ़ते हैं तो हम ये देखेंगे, यहां पर भी मैं एक नॉर्मल बना लेता हूं सबसे पहले. ये नॉर्मल यहां पे बना दिया. अब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखेंगे कि ये वाली रे भी रिफ्लेक्ट कर जाएगी और फिर फाइनली ये भी अपने हिसाब से ऐसे नीचे जाएगी और ये भी अपने हिसाब से ऐसे नीचे जाएगी, लाइक दिस. आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट टू ड्रॉ द डायग्राम ऑन स्केल. अब बच्चों अगर मैं ये रिफ्रैक्टेड रेज के लिए वेव फ्रंट बनाना चाहूं ना तो आप गौर करना, वो ऐसी बनेगी. ध्यान दिया आपने, ये इंसिडेंट है, इनको बाइंड करने वाली वेव फ्रंट ये, और ये रिफ्रैक्टेड है, अब इनको बाइंड करने वाली ये बनाना पड़ेगा मुझे. देखा, और ऑब्वियस बात है बच्चों ये 90 डिग्री लगाना पड़ेगा मुझे, कोई दूसरा तरीका ही नहीं है. करेक्ट हो गई बात. डेफिनेटली मैं यहां पे एक एंगल मेजर कर सकता हूं इफ नीडेड. आई यहां पर भी बच्चों मैं एक एंगल निकाल सकता हूं, यहां और यहां दोनों तरफ मैं ये कह सकता हूं कि ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है. गेटिंग इट राइट? सुनो, तो डायग्राम का पूरा प्रोस्पेक्टिव आपको समझ में आ गया कैसी बन रही है. ये ऐसी वेव फ्रंट्स आती हैं और ये थोड़ा सा बेंड होके आगे नीचे चली जा. अब डिपेंडिंग अपॉन कि हम रेरर में जा रहे हैं क्या डेंसर में जा रहे हैं, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी या अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड. यस, आप इसको यहां पर बाकायदा होता हुआ देख सकते हैं. ये रही ये देखिए, सी दीज थिंग्स अगेन. आई मस्ट से कि ये जो आर्क्स यहाँ पे बनाए जा रहे हैं, सेमी सर्कल्स यहाँ पे बनाए जा रहे हैं, ये कुछ और नहीं है बल्कि सेकेंडरी सोर्स ऑफ वेव फ्रंट्स के हिसाब से हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं. गेटिंग इट? यस सर. यस. अब कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बातों को हमें यहां पर प्रूव करना है. जैसे सबसे पहले हम यहां पर एक एंगल मेजर करेंगे. लेट्स से कि ये एंगल थीटा है तो यहां पर भी एक एंगल आएगा और ये एंगल भी थीटा हो जाएगा. करेक्ट हो गई बात. यस. अब अगर हम ये लिखें कि एंगल आई प्लस एंगल थीटा तो कितना कॉम्बिनेशन होगा, ये एडिशन कितनी होगी? 90 डिग्री. वेरी गुड. अब एक ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं, ए बी डी. इस ट्रायंगल में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी सब मिला के कितना होना चाहिए? 180 डिग्री. बिकॉज द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. एंगल ए का मतलब ये बी ए डी, मैं ऐसा पूरा नहीं लिख रहा हूं, एंगल ए का मतलब आप समझ पाते हैं इधर का है ना, एंगल बी का मतलब इधर का, और एंगल डी का मतलब ये अंदर, क्योंकि मैंने ट्रायंगल का नाम बता दिया आपको. ट्रायंगल डी को इधर उधर बाहर गिनने की जरूरत नहीं है, विद इन दिस ट्रायंगल एंगल डी मतलब ये अंदर की तरफ आएगा. बात समझ आ रही है बच्चों? अच्छा, एंगल ए को तो छोड़ दें भाई जैसा है वैसा. एंगल बी तो बच्चों हमको दिख रहा है 90 है, 90 डिग्री. प्लस एंगल डी भी हमको दिख रहा है, थीटा है, थीटा. दिस इज इक्वल टू 180. इसका मतलब हो गया एंगल ए प्लस थीटा इज इक्वल टू 90. अब आप क्या करें, इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें, दिस वन विद दिस वन. दोनों का नंबर 90 के बराबर है, तो क्या इसका सीधा सा मतलब ये मान लिया जाए कि एंगल ए प्लस थीटा इज इक्वल टू थीटा प्लस एंगल आई? यस, फाइनली एंगल ए इज इक्वल टू एंगल आई. एंगल आई. अब एंगल आई क्या है?
एंगल ऑफ इंसिडेंस. और हमने अभी अभी ये प्रूव किया कि एंगल ए मतलब ये अंदर का एंगल, ये वाला, इसे हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस प्रूव किया अभी अभी. तो अब हमें यहां एक न्यू इंफॉर्मेशन मिल गई. अब तक हमने क्लास नाइन्थ में, टेंथ में, इलेवेंथ में भी इस बात को रटा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नथिंग बट द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे. लेकिन एक न्यू इंफॉर्मेशन अब हमको मिली कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नथिंग बट द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, एंड इट कैन ऑल्सो बी द एंगल बिटवीन वेव फ्रंट एंड सरफेस. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस दो जगह मेजर किया जा सकता है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे में, या फिर वेव फ्रंट में और सरफेस. दिमाग में बैठाइए ये बात. क्लियर हो रही है बात अच्छे से? यस सर. इसका माइक ऑन है, देखें प्लीज माइक ऑफ रखें, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है. आर थिंग्स क्लियर? सो ये हमको न्यू इंफॉर्मेशन मिली. अब कुछ सिमिलर कैलकुलेशन हमको यहां नीचे की तरफ करने हैं, लोअर साइड. लेट्स से कि मैं यहां पे एक एंगल मेजर करता हूं, एंगल थीटा डैश. लेट्स से बच्चों, अगर यहां एंगल थीटा डैश बनता है ना, तो डेफिनेटली यहां अंदर की तरफ ये वाला एंगल भी क्या बनेगा? थीटा डैश. क्योंकि ये दोनों रे तो पैरेलल हैं और एक ही सरफेस है, तो यहां जितना एंगल बन रहा है यहां पर भी उतना ही एंगल बनेगा. यस और नो? अब आप मुझे एक बात बताएं कि एंगल आर प्लस एंगल थीटा डैश, इनका एडिशन क्या होगा? 90 डिग्री. फिर आप एक ट्रायंगल कंसीडर कर लें, ए सी डी. कंसिडर ट्रायंगल ए सी डी, ठीक है, एंड डू द सेम टाइप ऑफ कैलकुलेशन व्हाट वी हैव डन प्रीवियसली. एंगल सी ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी कितना सम होना चाहिए? 180 होना चाहिए. एंड याद रखें, जब मैं एंगल ए बोल रहा हूं तो इस ट्रायंगल के अंदर का एंगल ए बोल रहा हूं, मतलब ये एंगल होना चाहिए डी ए सी. एंगल सी जब मैं बोल रहा हूं तो ये होना चाहिए ए सी डी, और जब मैं एंगल डी बोल रहा हूं तो ये होना चाहिए ए डी सी. ठीक है ना, वो राइटिंग में मैं उसको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा हूं, इसलिए सीधा सीधा लिख रहा हूं. तो विद इन दैट ट्रायंगल की बात चल रही है. अब ध्यान से देखो बेटा, तो एंगल ए कुछ और नहीं है बल्कि एंगल थीटा डैश है, प्लस एंगल सी ध्यान से देखो तो 90 डिग्री है, प्लस एंगल डी हमें पता नहीं है, और ये सब मिला के हो गया 180 डिग्री. आपने अगर थोड़ा कैलकुलेशन यहाँ पे पूरा कर लिया तो आप लिखोगे एंगल थीटा डैश प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री. अब आप एक काम करें कि आप ये पहली वाली इक्वेशन और ये लास्ट वाली इक्वेशन जो भी आपने बनाई, इन दोनों को कंपेयर करें. जस्ट कंपेयर देम. सो व्हाट रिजल्ट यू आर गोइंग टू गेट? यू मे राइट एंगल थीटा डैश प्लस एंगल डी इज इक्वल टू एंगल आर प्लस एंगल थीटा डैश, बिकॉज बोथ आर समिंग टू बी 90 डिग्रीज. थीटा डैश से कैंसिल हो गया. क्या आंसर मिला? एंगल डी इज इक्वल टू एंगल आर. अब एंगल डी कहां है जरा चेक करें. ये अंदर की तरफ एंगल डी. एंगल डी जब मैं कहता हूं फॉर अ ट्रायंगल ए सी डी, मतलब ये होता है ए डी सी. ये एंगल डी हुआ ना, ए डी सी. यस. आपने प्रूफ किया कि ये जो एंगल है ये एंगल आर है. नोट इट डाउन वेरी केयरफुली. तो अब आप मुझे ये बताएं कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहां कहां मेजर हो सकता है. नई इंफॉर्मेशन ऐड हो गई, एक रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल. रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल के बीच में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मेजर होता है. दो, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट एंड सरफेस. सरफेस. तो हमारे पास मेजरमेंट के ऑप्शंस बढ़ गए. मैं फिर दोहरा दूं, हमने इस पूरे ज्योमेट्रिकल अप्रोच से ये प्रूफ किया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल और इंसिडेंट रे, या फिर वेव फ्रंट और सरफेस, ऐसे मेजर किया जा सकता है, या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे, या फिर रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट और सरफेस, यहां पर भी मेजर किया जा सकता है. बात समझ आ गई बच्चों?
अब हम इस ट्रायंगल का रीयूज करेंगे, ट्रायंगल ए बी डी, ध्यान से देखना, वी आर गोइंग टू यूज ट्रायंगल ए बी डी, और इस ट्रायंगल में हम इंटरेस्टेड हैं साइन ऑफ आई लिखने में, साइन ऑफ आई, बताएं तो क्या लिखूं मैं साइन ऑफ आई, ये ट्रायंगल रहा आपका, ये एंगल आई, बताएं साइन ऑफ आई क्या लिखना चाहिए, अपॉन एडी अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, ये हो जाएगा बीडी अपॉन एडी। साइमल्टेनियसली आप यूज करें ट्रायंगल, ये जो नीचे का ट्रायंगल है ए सी डी और ये आर, ठीक है, तो ट्रायंगल ए सी डी में, ए सी डी में आप लिखें साइन ऑफ आर, बताएं तो क्या लिखना चाहिए साइन ऑफ आर, एसी अपॉन सी, एसी अपॉन सीडी, सीडी, एब्सोल्युटली रॉन्ग, एसी अपॉन हाइपोटेनियस 90 के सामने वाली साइड होती है, 90 डिग्री के सामने जो होता है ना उसे हाइपोटेनियस बोलते हैं, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब क्या लिखना चाहिए, एसी अपॉन एडी, एडी, ठीक है ना, सिली मिस्टेक्स नहीं करेंगे, तो आर साइन ऑफ आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन हाइपोटेनियस 90 डिग्री के सामने वाली साइड एडी, तो आंसर क्या हुआ, ए सी अपॉन एडी। नाउ जस्ट टेक द रेशियो ऑफ दीज टू, तो ले लिया मैंने रेशियो साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर, साइन आई विल गो फॉर बी डी अपॉन एडी एंड दिस इज गोइंग टू बी ए सी अपॉन एडी, विल फाइंड दैट के ये एडी फैक्टर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसल आउट हो जाएगा, फिर हमें आगे क्या मिलेगा, बीडी बाय सी साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू बी डी अपॉन ए सी। अब आप थोड़ा सा पीछे जाइए, थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन को रिकॉल करिए, ये जो बी से डी डिस्टेंस है ये इन टर्म्स ऑफ स्पीड एंड टाइम हमने क्या लिखा था, v1t, और ये a से c जो डिस्टेंस है इन टर्म्स ऑफ स्पीड एंड टाइम हमने क्या लिखा था, v2t, सो जस्ट सब्स्टिट्यूट इट, और इसका एक्सप्लेनेशन मैं पूरा आपको बता चुका हूं कि ये v1t क्यों लिखा जाएगा और ये v2t क्यों लिखा जाएगा, टाइम दोनों में सेम है तो टाइम फैक्टर ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट हो गया, क्या मिला, साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर इज इक्वल टू वी वन अपॉन वी टू एंड इट इज नथिंग बट कॉन्स्टेंट, क्योंकि स्पीड इन फर्स्ट मीडियम उस मीडियम के हिसाब से कॉन्स्टेंट नंबर है और स्पीड इन सेकेंड मीडियम उस मीडियम के हिसाब से एक कॉन्स्टेंट नंबर है, चूंकि यहां पे दो कॉन्स्टेंट नंबर का डिवीजन हो रहा है तो इसका मतलब आपको एक कॉन्स्टेंट ही आंसर मिलेगा, तो हमने अल्टीमेटली स्नेल्स लॉ को प्रूफ कर दिया, ठीक हो गया, यस, सो व्हाट वी नो एक्सपेरिमेंटली उसको हमने हाइजीन की थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा 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 एक्सप्लेनेशन दे दिया एज पर हाइजीन थ्योरी, क्योंकि हमने यहाँ पे वेव फ्रंट और उसकी कंस्ट्रक्शन और उसकी डिटेलिंग करने के बाद ही इन तमाम चीजों को प्रूफ किया, आर थिंग्स क्लियर, सो ये है सारा मामला। अब इसमें दो तीन बातें आपको ख्याल रखनी है, एक तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को नई जगह हम कहां मेजर कर सकते हैं, नॉर्मल और रे के साथ तो कर ही सकते थे लेकिन इस बार हम इसे वेव फ्रंट और सरफेस के साथ भी कर सकते हैं, ये नई इंफॉर्मेशन मिली हमको, इसे याद रखें। नंबर टू, आप ये देखोगे कि इंसिडेंट वेव फ्रंट और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट के साइज में फर्क है, ठीक है, इंसिडेंट वेव फ्रंट और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट की जो विड्थ है, उसकी जो चौड़ाई है, उसका जो साइज है, वो चेंज हो गया है। इनफैक्ट बच्चों हम ये कहेंगे कि जब लाइट रेयरर से डेंसर में जाती है, रेयरर से डेंसर, क्योंकि मैंने यहां पर बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल दिखाई है तो इसका मतलब ये डेंसर मीडियम रहा होगा, तो ये साइज बढ़ जाता है, ये विड्थ बढ़ जाती है, ठीक है ना, ये विड्थ इंक्रीज हो जाती है, कुछ बात समझ आ रही है आपको, यस सर। एक छोटा सा कैलकुलेशन मैं यहां पे और एडिशनली आपको समझाना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए,
इन द सेम ट्रायंगल्स अगर हमने कॉस ऑफ आई लिखा, कॉस ऑफ आई, सोचिए इस ट्रायंगल में अगर मैंने कॉस ऑफ आई लिखा तो क्या मैं ऐसे लिखूंगा ए बी अपॉन ए डी, और कॉस ऑफ आर अगर मैं लिखता हूं ये लोअर ट्रायंगल के हिसाब से तो क्या मैं ऐसे लिखूंगा सीडी AD upon बाई AD. और अगर मैंने यहां पे चुपचाप से ये रेशियो ले लिया cos i डिवाइडेड बाय cos r, बहुत ध्यान से सुनना ये बात, तो AD AD फैक्टर रेशियो लेने पर कैंसिल आउट हो जाएगा, मुझे क्या मिलेगा एबी बाई सी AD कौन upon सी AD. और बच्चों अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो AB क्या है, AB इंसिडेंट वेव फ्रंट का विड्थ है और CD क्या है रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट का विड्थ, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट का विड्थ है. तो व्हेन नीडेड हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि दिस इज नथिंग बट द विड्थ ऑफ इंसिडेंट वेव फ्रंट डिवाइडेड बाय विड्थ ऑफ रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट. तो इस फॉर्मूले को अच्छे से दिमाग में बिठाइए, केयरफुली इसे दिमाग में बिठाइए, क्योंकि विड्थ पर बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, खास करके सीईटी एग्जामिनेशन में तो लगातार पूछे जाते हैं, बहुत बार विड्थ पर उस पर क्वेश्चन पूछा गया है. एक और चीज अपने दिमाग में इंप्रेस करिए कि अगर लाइट रेयरर से डेंसर की तरफ जाती है तो विड्थ ऑफ वेव फ्रंट क्या होती है, इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, इंक्रीज इंक्रीज होती है. और इसका रिवर्स अगर हम इमेजिन करें कि लाइट डेंसर से रेयरर की तरफ जा रही है तो विड्थ ऑफ वेव डिक्रीज फ्रंट क्या होगी, डिक्रीज अच्छे से दिमाग में बिठाइए, इसके मैथमेटिकल कैलकुलेशन कैसे भी पूछे जाए आप दिमाग में बस ये बिठाएंगे अगर लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है तो विड्थ ऑफ वेव फ्रंट इंक्रीज हो जाएगी, आफ्टर एंटरिंग इनटू द डेंसर मीडियम विड्थ उसकी बढ़ जाएगी, एंड इफ द लाइट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम रिफ्लेक्टिंग रिफ्रैक्टिंग मीडियम अगर रेयरर है तो विड्थ उसकी जो है कम हो जाएगी. ठीक है, द विड्थ ऑफ वेव फ्रंट विल डिक्रीज व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम. ओके, तो इसे जरा अच्छे से दिमाग में बिठाइए. सो ये है सारा मामला रिफ्रैक्शन का. अब वो सारे लॉज जो हम एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करते हैं कि इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के आजू बाजू में होने चाहिए, आइदर साइड होने चाहिए, इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल दे शुड बी इन द सेम प्लेन, एंड फाइनली साइन ऑफ आई टू साइन ऑफ आर ये रेशियो जो है ये कॉन्स्टेंट होना चाहिए, ये सब कुछ हमने हाइजीन की वेव थ्योरी को कंसिडर करते हुए प्रूफ किया. इन एडिशन टू दैट हमने विड्थ का भी कैलकुलेशन समझा वेव फ्रंट की, and in addition to that we find a new way to measure the angle of incidence and angle of refraction, and that new way is nothing but between wavefront and surface, incident wavefront and surface angle of incidence, refracted wavefront and surface angle of refraction. Baat clear ho gayi? So this is all about the phenomenon of refraction. Got the point clear? Yes or no? नाउ यू नीड टू प्रैक्टिस अलॉट, आपको इन डायग्राम्स को बनाने के लिए बहुत सारी प्रैक्टिस करने की जरूरत है. ठीक है, आप अगर इनको प्रैक्टिस करेंगे तो ही आप ठीक तरीके से चीजों को हैंडल कर पाएंगे, अदरवाइज एग्जामिनेशन में एट अ सडन आप इस डायग्राम को निकालने बैठेंगे तो आप गलत ड्रॉ करोगे. तो आई गिव यू होमवर्क लाइक फॉर ईच डायग्राम, ईच रे डायग्राम, आइदर फॉर रिफ्लेक्शन आइदर फॉर रिफ्रैक्शन, ईच ऑफ द रे डायग्राम यू विल ड्रॉ इट फॉर 5 times, कम से कम 5-5 बार इन डायग्राम्स को आप बनाए. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस. मैं लेक्चर को थोड़ा सा एक्सटेंड करूंगा, एज आई टोल्ड यू न्यूमेरिकल्स हमको खत्म करना है. डेंसर मीडियम में विड्थ कम रहना ऐसा किसने बोला, किसी ने क्वेश्चन पूछा मुझे कि भाई डेंसर मीडियम में तो विड्थ कम रहना, कौन बोले कम रहना, ये तो तुम सोच रहे हो, तुम्हारा ख्याल है, प्रैक्टिकली तो विड्थ बढ़ रही है, स्पीड कम रहती है, स्पीड कम रहती है, उसका विड्थ से कोई yes. सवाल नहीं, लाइट बेंड हो जाती है ना ऐसे तो विड्थ बढ़ जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, और अगर उसको अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करा दो फिर घटेगी. ठीक है, तो तुम्हारे दिमाग में ऐसा एक लॉजिक अजीब सा बैठ रहा होगा कि डेंसर मीडियम में गई तो विड्थ कम रहना, वो तो तुम्हारा ख्याल है, एक्चुअल केस में ऐसा होता नहीं है, डेंसर मीडियम में जब लाइट एंटर करती है तो विड्थ ऑफ वेवफ्रंट इंक्रीज करती है. गेटिंग इट? आइए चलिए कैलकुलेशन करते हैं फटाफट, मैं थोड़ा रैंडमली क्वेश्चन को चॉइस कर रहा हूं ताकि 4-5 क्वेश्चन है पूरे कर सकूं.
The parallel beam of monochromatic light incident on a water at an angle of 60 degree. Find the width or ratio of width of beam in water to that in air. रेशियो किस चीज का निकालना है ये याद रखें, वाटर टू एयर निकालना है, ठीक है? तो विड्थ इन वाटर टू विड्थ इन एयर ये निकालना है। तो सबसे पहले मैं इसकी एक डायग्राम क्विकली बना देता हूं। ये एयर है, ये वाटर है, ठीक है? लेट्स से कि ये लाइट ऐसे आ रही थी, ये वेव फ्रंट है, इसके बाद ये ऐसे मुड़ गई, ये ऐसे मुड़ गई। तो आप ख्याल करें, ये विड्थ इन वाटर है और ये वाली चीज विड्थ इन एयर है। आप अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो यहां क्या है आई और यहां क्या है आर, करेक्ट है? यस सर। नो यस सर। आप अगर दिमाग चलाएंगे तो कॉस ऑफ I डिवाइडेड बाय cos ऑफ R क्या मिलेगा आपको? विड्थ इन एयर डिवाइडेड बाय विड्थ इन वाटर। तो हमको ये निकालना है, ये याद रखें, ये लास्ट में हम करेक्शन कर लेंगे। अब हमारे पास I तो है, R नहीं है, लेकिन R निकालना पड़ेगा। तो आर निकालने के लिए हम एक छोटा सा एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करेंगे और हर बार हमें ऐसा एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। क्लियर है? तो ये हो गया बेटा साइन ऑफ 60 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 4/3। ठीक हो गया? साइन 60 कितना होता है? रूट 3/2। साइन आर इज इक्वल टू 4/3। साइन आर कितना हुआ? साइन आर इज इक्वल टू 3√3/8। अब क्वेश्चन ये है कि हमको साइन आर नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए? हमको कॉस आर चाहिए। तो कॉस आर को निकालने के लिए आप एक हाइपोथेटिकल ट्रायंगल बनाइए। एक तो ये तरीका हो सकता है कि आप लॉगबुक देखें, बट मैं कहता हूं कि लॉगबुक अवॉइड करें। लेट्स से कि इस हाइपोथेटिकल ट्रायंगल में ये वाली साइड आर है, तो साइन का रेशियो लेने का मतलब हुआ कि ये अपोजिट साइड 3√3 है कि नहीं, और ये हाइपोटेनियस 8 है। अब थोड़ी देर के लिए इस साइड को x मान लें, तो क्या हम ऐसे लिखेंगे 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस 3√3 का स्क्वायर 64 प्लस 27 x का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस करें 31। कितना हो रहा है माइनस करने पे? 37। तो हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू √37। नियर अबाउट 6 6 पॉइंट के आसपास कुछ बोलेंगे हम, 6.1 है सब कुछ, 6.0। चलिए √37 लिख लेते हैं। अब यहां पर आते हैं, तो हम लिखेंगे cos ऑफ i 60, है कि नहीं? cos 60, चलो एक स्टेप बढ़ा देता हूं, cos 60 डिवाइडेड बाय cos r इज इक्वल टू विड्थ इन एयर डिवाइडेड बाय विड्थ इन वाटर। cos 60 कितना होता है? 1/2 हो गया। cos r, अब इस ट्रायंगल के हिसाब से cos r क्या होगा? 37/8 √3 कहां से आएगा? अपॉन 8 आएगा, 8 विड्थ इन एयर डिवाइडेड बाय विड्थ इन वाटर। इसको कैलकुलेशन करें, ठीक है? ये 2 कटेगा, ये हो जाएगा 4, 4 जाएगा न्यूमरेटर में, आंसर आएगा 4/√37 इज इक्वल टू विड्थ मेजर इन एयर डिवाइडेड बाय विड्थ मेजर इन वाटर। अब आपको जो आंसर बनाना है उसके हिसाब से आप उसे मॉडिफाई करिए। क्या आंसर बनेगा हमारा?
root 37 water divided by width in air is equal to root 37 upon 4. आप चाहें तो root 37 को roughly 6 लिख सकते हो, 6 by 4 यानी कि 3 by 2 भी आप यहाँ पे बोल सकते हो चाहो तो. क्लियर हो गई बात? आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं. ठीक है, मैं थोड़ा सा लेक्चर एक्सटेंड करूंगा एंड प्लीज कोऑपरेट. सिलेबस भी हमको प्रॉपर करना है पूरा. तो यहां पे एक डायग्राम हमको गिवन है जिसमें ए बी सी डी ई साइड्स को लेबल किया गया है. तो हमसे ये पूछा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज द रेशियो. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस चीज का रेशियो बनेगा? बहुत आसान है. अगर आप केयरफुली देखेंगे तो ये वाला एंगल क्या कहलाएगा? आई. शाबाश. और ये ब्लू कलर से जो मैं लगा रहा हूं ये वाला एंगल क्या कहलाएगा? आर. आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि म्यू निकालना है. अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो आप क्या लेंगे? आई नाई बाय साइन आर. याद रहे ये आर है और ये ऊपर की तरफ जो हमने लिखा, याद रहे ये आर है. अब साइन आई लिखकर बताएं क्या लिखे हम? साइन आई क्या लिखे? बी बाई सी अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस. बी बाई सी करेक्ट जा रहे हैं? यस. साइन आर लिखकर बताएं क्या लिखे? बी बाई सी कैंसिल हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया बी बाई डी. तो ये क्वेश्चन तो खास उसी वक्त सॉल्व हो सकता है जब आपके डायग्राम जहन में बैठी हो ठीक से, कि आपने थ्योरी इसकी ड्राइव करते वक्त डायग्राम कैसी बनाई थी. इफ यू डू नॉट नो द डायग्राम देन खत्म बात, कुछ भी नहीं हो सकता. क्लियर हो रही है बात? यस यस सर. चलिए एक और लेते हैं, नंबर 5. वैसे ये क्वेश्चन मेरा ख्याल है 2 या 3 बार सीईटी के एग्जामिनेशन में पूछा गया है एग्जैक्टली इसी तरीके से, थोड़ा बहुत डेटा बदल बदल के. नीट में भी एक बार आया है. इसमें कह रहा है कि लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम एयर टू अ सर्टेन मीडियम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम इज रिड्यूस्ड टू 0.75 टाइम्स द वेलोसिटी इन एयर. तो डेविएशन कितना हुआ ऐसे पूछ रहा है रेखा. तो थोड़ा बहुत बेसिक आपको आना पड़ेगा. तो सबसे पहले तो बच्चों हम लोग ये लिखते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मूले के हिसाब से साइन आई बाय साइन आर जो होता है वो इंसिडेंट मीडियम की स्पीड डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव मीडियम की स्पीड होता है. करेक्ट जा रहे हैं? Yes. यहाँ पे मैंने लिखा साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू. अब इंसिडेंट मीडियम जो है ना वो हमारा एयर है, तो इंसिडेंट मीडियम एयर, एयर में लाइट की स्पीड हम लोग सी लिखते हैं यूजुअली. अब रिफ्रैक्टिंग मीडियम जो कुछ भी है, ग्लास है, वाटर है, जो कुछ भी है, उसकी स्पीड अगर तुम ध्यान से देखो ना तो 0.75 का मतलब हो गया बेटा 3/4 ऑफ सी. एयर की स्पीड का 0.75, तो एयर की स्पीड का 0.75 मतलब 3/4. क्या कहते हो? हम देखेंगे सी फैक्टर यहां से कैंसिल हो गया और हमको कुछ ऐसा देखने को मिला साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर इज इक्वल टू 4/3. अच्छा, इसने एक और बात हमको बड़ी इंटरेस्टिंग सी बता दी कि ये एंगल बहुत छोटे हैं. हम जानते हैं कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन के एंगल्स स्मॉल हो जाते हैं तो फंक्शन को निग्लेक्ट किया जा सकता है. मतलब साइन ऑफ आई की जगह सिर्फ आई लिखा जा सकता है और साइन ऑफ आर की जगह सिर्फ आर लिखा जा सकता है, क्योंकि अगर आई स्मॉल है तो आर भी स्मॉल ही होगा. सो दैट मेक आई बाय आर इज इक्वल टू 4/3. इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि R इज इक्वल टू 3I/4. अब आपको एक फैक्ट रिकॉल करना पड़ेगा जो हमने 11th में सीखा था कि जब लाइट इस तरीके से रिफ्रैक्ट होती है तो उसका जो डेविएशन लिखा जाता है, बेंडिंग जो लिखी जाती है, उसका डेल्टा वो लिखी जाती है I माइनस आर. I-R. ये हमने क्लास 11th में सीखा था, इंट्रोडक्टरी आइडियाज ऑफ रिफ्रैक्शन के वक्त. या इवन आपने इसको 10th क्लास में भी पढ़ा होगा कि डेविएशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ I माइनस एंगल ऑफ R. यस.
अब डेविएशन निकालें तो आई तो अपनी जगह, आर के लिए हमने एक वैल्यू को एस्टेब्लिश कर लिया है एंड दैट इज 3i/4। सब्सट्रैक्शन पूरा करें, सब्सट्रैक्शन पूरा करने पर हमको आंसर मिलेगा i/4। तो हम ये कह सकते हैं कि यहां पे ये हमारा चॉइस हो। गेटिंग द पॉइंट राइट? यस सर। आइए अब बचे हुए एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। आई विल गिव वन ऑफ द क्वेश्चन एज योर होमवर्क और एल्स विल सॉल्व इट। फॉर द रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द सरफेस। सरफेस से बोलने के बाद लेट मी टेल यू दैट के अक्सर स्टूडेंट परेशान होते हैं, अरे सरफेस से कैसे दिया एंगल इसने, एंगल तो नॉर्मल से देना चाहिए। लेकिन क्या ये एंगल सरफेस से भी बताया जा सकता है? यस। लेकिन किसके साथ, रे के साथ या वेव फ्रंट के साथ? वेव फ्रंट के साथ। वेव फ्रंट, जब सरफेस से एंगल मेजर होगा तो वो वेव फ्रंट के लिए होना चाहिए, और जब रे से मेजर होगा तो वो नॉर्मल से होना चाहिए। ठीक है, अगर रे का एंगल सरफेस से दे दिया तो हम उसको 90 में से माइनस करेंगे। बात को समझे? यस। ठीक है, बात को समझे। ये सरफेस है, ये रे है, ये नॉर्मल है। अगर इसने यहां बताया 60 तो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 नहीं है, हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 30। थर्टी है। रे के लिए एंगल हमेशा किससे मेजर होगा? नॉर्मल नॉर्मल से। लेकिन अगर रे के लिए उसने एंगल हमको सरफेस से दिया तो हमको 90 में से माइनस करना पड़ेगा। यस। वेवफ्रंट के लिए एंगल हमेशा किससे मेजर होगा? सरफेस। सरफेस से। और वेवफ्रंट के लिए अगर उसने एंगल हमको नॉर्मल से दे दिया उल्टा, अभी हम 90 से माइनस करना। मतलब दिमाग में बात अच्छे से बैठनी चाहिए कि रे और नॉर्मल, ये दो एंगल, रे और नॉर्मल यहां एंगल मेजर होगा, और वेव फ्रंट और सरफेस यहां एंगल मेजर। बात समझे? रे और सरफेस दिया तो 90 में से माइनस करो, वेव फ्रंट और नॉर्मल दिया तब भी 90 में से माइनस करो। चलो बहरहाल पता ये चला कि ये चीज एंगल ऑफ इंसिडेंस है क्योंकि ये वेव फ्रंट से ही बताया है। अब ये कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ विड्थ ऑफ इंसिडेंट वेव फ्रंट टू द रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट इफ आर आई इज 1.5। बहुत आसान है, आपको इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड विड्थ निकालनी है। इसका मतलब आपको लेना है रेशियो कोसाइन डिवाइडेड बाय कोसाइन। आई तो आपके पास है, आर आपके पास नहीं है, तो आप ये आर कैसे निकालेंगे? तो आप एक और फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। और करंट सिचुएशन में अगर मैं उसे लिखूं तो साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर इज इक्वल टू करंट सिचुएशन में ये 1.5 है, 1.5 का मतलब हो गया 3/2। तो दिस आई विल लीव एज अ होमवर्क फॉर यू। आप यहां से आर निकालें, अगर आर का कोई डायरेक्ट नंबर आता है जो आपके जहन में मौजूद है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो एक हाइपोथेटिकल ट्राइंगल निकाल के साइन आर रेशियो को कॉस आर रेशियो में कन्वर्ट करें और फिर फाइनली विड्थ का आंसर आप ढूंढ लें। कर पाएंगे इतना? यस सर। चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन, देन विल स्टॉप फॉर दिस। एग्जैक्टली उसी तरीके का है, कोई फर्क नहीं है, एग्जैक्टली सेम। विड्थ ऑफ द प्लेन वेव फ्रंट इज फाउंड टू बी डबल इन डेंसर मीडियम इफ इट मेक्स एन एंगल ऑफ 70 डिग्री विद द सरफेस, कैलकुलेट द आरआई ऑफ मीडियम। तो यहां आरआई निकालना है। तो विड्थ डबल है, मतलब ये कि इंसिडेंट डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टेड अगर हम कैलकुलेट करें तो ये आंसर आता है 1/2। विड्थ ऑफ प्लेन वेव फ्रंट इज फाउंड टू बी डबल इन द डेंसर मीडियम, डेंसर मतलब रिफ्रैक्टेड यहां पे। यस सर। ठीक है, तो डब्ल्यू आई बाय डब्ल्यू आर इज इक्वल टू 1/2। डबल का मतलब समझे, तुम बोलेंगे सर वहां डबल बोल रहा, तुम यहां हाफ लिख रहे। ऐसा नहीं है, मैं ये कह रहा हूं कि विड्थ ऑफ इंसिडेंट इफ इट इज 1 देन द विड्थ ऑफ रिफ्रैक्टेड इज 2। क्लियर हो रही है बात बच्चों? यस सर। एंड वी नो वेरी वेल के ये रेशियो क्या होता है, कोसाइन डिवाइडेड बाय कॉस आर। अब यहां पर ये जो एंगल दिया गया है ये आई है, तो आप ये फॉर्मेट इस्तेमाल करें, यहां लॉग बुक आप यूज करें चाहे तो ये फॉर्मूला यूज करें और क्या ढूंढें आप आर। और एक बार आपको आर मिल जाता है देन फाइनली यूज
formula, refractive index is equal to sin I divided by sin R. ये भी मैं आपको एज अ होमवर्क छोड़ देता हूँ, तो आप इन दोनों क्वेश्चन को कर लें. Okay, so this is all about the reflection and refraction phenomena explained by Huygens theory. Whatever we have studied in this lecture is going to be very important. Either you consider the competitive examination or either you consider the theory board's paper. Board के paper में तो खास हर छोटी से छोटी बात इस article के बारे में पूछी जाती है, चाहे diagram पूछी जाए, चाहे full length derivation पूछा जाए, चाहे width से related कुछ पूछा जाए, चाहे laws पूछे जाए, तो ये बहुत common और regularly questioned article है. चलिए रुक जाए यहाँ पर. Yes.